चलो चलो देखो एयरपोर्ट के लेफ्ट से थे रिश्वी बस से रह जाते यहाँ ती एयरपोर्ट के लेफ्ट से आती अली साफ पान है प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए जब हमारे गांव वाले हो या गवर्नमेंट की तरफ से हमको जहां भी जगह मिलेंगे हम कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हमने वहां प्लेग्राउंड बनाए कोई मतलब 110 मीटर बाय 110 मीटर का, वो भी मतलब हमारे मतलब जवानों के दिमाग में था कि हमको यहां ग्राउंड होना चाहिए। इसलिए जब मैं काउंसलर बना मैंने वो तकरीबन ग्राउंड बनाया है। आगे मतलब आपको पहले भी बोला इंडोर स्टेडियम बनाए, इसी तरह मतलब यहाँ एमएमए का हमको अगर ग्राउंड बनाने की ज़रूरत होगा तो हम देखेंगे कि जगह अगर हमको कोई मौजूद जगह बनाया मिल गया तो हम भी वहाँ कोशिश करेंगे कि वहाँ इनके लिए कोई ग्राउंड एक बनाएंगे। क्योंकि ये जो लड़के हैं आने वाले दिन में सिर्फ करगिल या पोइन को नहीं हमारे पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगा, लद्दाख का नाम रोशन करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, इसके मतलब इसके लिए तो पूरा हमारे यूटी लेवल पे एक मतलब पूरा यूटी लेवल पे स्टेट लेवल का हमको ग्राउंड होना चाहिए। इसके लिए तो काउंसिल में फाइट करना पड़ेगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके हो सके हमारे वहाँ प्लॉटों में अभी जो आर्मी वालों ने जगह खाली करना है तो वहाँ कोई बड़ा एक ग्राउंड बनाएंगे। तो मतलब ये पूरा लद्दाख के लिए मतलब बच्चों को खेलने के एक मौका मिलेंगे। झंडा थो जंत कैसे आसन सॉरी
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और भी कोई चीज़ें हो जो इन लोगों को ज़रूरत हो उनके लिए भरपूर मदद करने की हम कोशिश करेंगे और इनके लिए हम काउंसिल में हो या जहां भी हो हम इनके लिए लड़ेंगे कि इनको जितने कोई चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों के लिए हम सीसी साहब हो डीसी साहब हो या एलजी साहब हो सब से मतलब रिक्वेस्ट करके इन लोगों की मदद के लिए हम इनको मतलब जितना हो सके कोशिश करेंगे कि इन हमसे मदद हो सके मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ बिलखसूस हमारे पॉइंट के लड़के जो है स्पोर्ट्स में बहुत आगे है हर लाइन में चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो आर्चरी हो जो भी हो उन सभी चीज़ों में हमारे लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस साल फुटबॉल जो डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल चैम्पियनशिप था वो भी हमारे पॉइंट वालों ने जीता। क्रिकेट के फाइनल में चलो हम कोई 8-10 रन से हार गए वो तो अलग है, खेल में तो हार जीत होते रहते हैं मगर कोशिश करते हैं कि मतलब लड़ने की हमारे बच्चों में सलाहियत है मतलब गेम में मतलब आगे जाने की सलाहियत है। इसलिए मैं इन सभी मतलब प्लेयरों को मदद देने की मतलब मदद करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमने मतलब यहाँ तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ का एक ग्राउंड भी मतलब बनाया है और भी मतलब इंडोर स्टेडियम हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लान में इंडोर स्टेडियम भी रखा है वो भी उसका भी मतलब ये चल रहा है काम चल रहा है। जितना हो सके स्पोर्ट्स में हम मदद करने की कोशिश करेंगे और मैं हो चाहे शब्बीर हो या और भी हमारे सीसी साहब हो सबों ने मतलब कोशिश किया है कि जितना हो सके हम स्पोर्ट्स हो एजुकेशन हो सब पे हम जोर लगा रहे हैं कि मतलब जितना हमसे हो सके हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे गेम्स जो है उसमें हमारे लड़के जैसे टेकंडो हो या आइस हॉकी हो ऐसे गेम्स में हमारे जो लड़के हैं खासकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो हाँ। ये गेम भी है इसमें भी हमारे लड़कों में बहुत काबिलियत है क्योंकि आज गोल्ड मेडल लाना कोई बहुत मानी है इतने स्टेट से चैंपियन होके तो खासकर इस ऐसी चीज़ों के लिए क्या आप पॉइंट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टेडियम तैनात करना चाहते हैं यहाँ पर बनाने के लिए? हाँ वो तो हम भरपूर कोशिश करेंगे मगर कुछ जगहों पर तो हमें यहाँ ज़मीन की प्रॉब्लम हो रहा है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की हमको कमी नहीं है मसला यहाँ हमको पेश हो आबादी ही कितनी है तो अगर चलो आप मान के चलते हो हमारा ये रोना रहता है करगिल वालों का एक खामी है कि ले वाले ले जाएंगे चलो ले से 7 प्लेयर गए तो जैसे कि क्रिकेट की टीम में 5 तो हमारे यहाँ से जाएगा या तो रिजर्व में हमारे जाएगा
तो चांसेस है, तो मैं गुजारिश करता हूँ जितना हो सके दिल लगा के आप नशे वगैरह से दूर रह के खेल खेलें। तो आखिर में आज का एक ग्रैंड रिसेप्शन यहाँ पे आपकी जो यूदा पॉइंट्स पूरा यहाँ पे ग्रैंड रिसेप्शन किया, तो इससे इनका हौसला अफजाई भी हो गया होगा, तो आपके घर की तरफ से इनका कैसा शुक्रिया है? तो पूरे हमारे गांव के जितने भी लोग थे, जितने ख़ासकर नौजवान, क्योंकि सर्दियों का वक़्त है, बूढ़े तो नहीं आ पाए, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां सब आए, हमारी हौसला अफजाई की। मैं इतना वालेहाना इस्तकबाल किया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका कवरेज के लिए बहुत ही बेहतरीन एक रिसेप्शन दिया, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सब का। तो इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई, ख़ासकर मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से और हसनैन की तरफ से, अकबर की तरफ से और मेहदी नासरी की तरफ से, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, जो भी हमारे इस्तकबाल करने के लिए, और बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन जो ये डिज़र्विंग थे, इनको मिलना चाहिए था, जो क्योंकि नेशनल लेवल पर और मुंबई में जाके इस गेम में उन्हें गोल्ड लेके आए, सिल्वर लेके आए और ब्रॉन्ज भी लेके आए, ब्रॉन्ज भी कोई मामूली बात नहीं होती है। तो मैं एक बार फिर हमारे जितने भी गाँव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वेल विशर्स हैं, और ख़ासकर मेहदी नासिर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गोल्ड मेडल सिर्फ नतान से फिया फाकर में दू पूरा नतान लदा का फाकर है सन स्वयं नाती रियाल खान प्लेयर उल्ला फाकर सों खो आनी तरफ ना मुबारक बाद इन और मेदी नासरिया शुक्रिया इनकी नाती दी कौमी जवान ने अनु जी जज्बा पैदा बसे कि नतान घर छाना कामयाबी थोपचिन जुगजर भी जरिए एक सों सिंधु नतान इंसान सन्मत बना आगे नतान मुकाम जी थोपचा जुगजर भी जरिया सोचें दे फिर खुआ शुक्रिया इन इंशाल्लाह दिन यंतंग गंगमाज गाती पूरा कौम इस खुआ रिसेप्शन बस दूध सफ़े कौन दे फिर गाती तमाम शरबा गंगमाज शुक्रिया गातंग जुग बसे जुग आका चिचिक बसे दुख ना गातंग कामयाबी मिठोबी मना उम्मीद सवाल उम्मीद गातंग हर वक्त कामयाबी थोपचिंग गातंग गंगमाज चिचिक बसे दुख दू गातंग मेदी नासरी ना अली दोना हसनैन खौन बिकत गातंग स्थान तंग सिंह ngatang chik dug nang ngatang kamyabi thogne digana song se ngatang byama thang song se kirkhar se tang ngatang cham se pareshani yoma diga bambay song se kamyabi thog chao sun phapal bambay song se kamyabi thog cha diu cha sun se de nemin diu ma pura kargil qoma cho fakir chin ngad lieutenant governor r k mathur sahib ka shukriya ada bet cc kargil dc kargil सैद अब्बास रजवी एग्जीक्यूटिव काउंसलर खो तमाम गाँव दोना सू चिग मेहदी नसरीन अली खुदम खो टीम पर सपोर्ट बस दोन गाँव में नी तरफ ना बहसियत है काउंसलर पोइन काउंसलर इन मेसा भी का खो गाँव में नी तरफ ना शुक्रिया अदा इन और नाची पोइन कौमी तरफ ना खो शुक्रिया इन की नाची दी जवान अहमद तासे दी मौके शुक्रिया और दोनों इंशाल्लाह सी सी साहब नंगा फेरा सो सीन दो या तीन दिन आनू नाचे मतलब काउंसिल ला दि प्लेयर ने दिन आनू एजा से आनू पार्टी जाकिन इंशाल्लाह दे आनू यंता दावत हो सीन नी करना रुपया 20,000 रुपया खोंगा इनाम इन चार दे जगह नाते दे खोंगा दे दें दाव इनाम को एक का पेज वाचिन बाकी आइंदा यंता अच्छी मुश्किल ना दो नाते कौन से नटेगा बस डी सी साहब नटेगा बस सी सी साहब नटेगा बस की यंती मुश्किल तुम नाते इन शाल यंता दे मिसाल ग्रोन ही मुश्किल दे नाता दिया क्राटर कोच एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एमएमए लद्दाख बहुत 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 शुक्र गुजार हूँ। हमारा जो पोएम पोएम का पब्लिक है बहुत बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा कि इतना हम लोग को सपोर्ट मिला, क्या कि मेरा जब फाइट हो गया था, क्या कि मेरा फाइट भी बहुत मतलब प्रो लेवल में था, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं मिला था। और मैं भी मतलब बहुत अली को भी बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा टाइम दिया, एमएमए लद्दाख को इतना टाइम ऐसा टाइम दिया कि हम लोग आगे बढ़े और बच्चे लोग को सिखाए और बच्चे लोग को ऐसा गोल्ड मेडल दिला दे। और आगा अब्बास जो उधर आ गया था, हम लोग मीटिंग किया था, जो उधर दो ऑफिस था जो उन लोग स्पॉन्सर करता था मुंबई में, तो उन लोग बोला है कि अगर तुम लोग करगिल में लद्दाख में अगर तुम लोग मैच चलाने वाला है, बाकी सपोर्ट हम लोग करेंगे, प्लेयर हम लोग लाएंगे। बाकी हम लोग मीटिंग कर दिया है और एमएमए एफआई का जो प्रेसिडेंट है
एमएफआई का जो जो फेडरेशन है उनका हेड, उन्होंने भी बोल लिया है कि हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट और लद्दाख के लिए हम लोग 100% आके फाइट लड़ा देंगे और उसमें फाइट करवा देंगे, इवेंट रखेंगे। क्या है कि 18 स्टेट या 19 स्टेट इधर आके हम लोग को फाइट दिखाना है। और बाकी तो सबको, मतलब मेरे को तो इतना पब्लिक देख के बहुत शौक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ है वार्ड मेंबर पोहेन के शब्बीर मजबी खजरो। तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव है पोहेन का, अब यहाँ पे हमारे जो यूथ है, खासकर आप भी एक यूथ है, तो आज हमारे जो लड़कों ने मुंबई में जाके वहाँ पे चैंपियनशिप जीता एमए का, तो आप कैसा प्राउड फील कर रहे हैं और आने वाले दिन में कैसा सपोर्ट रहेगा आपका इन जवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का, लद्दाखी साहब का, और मैं सबसे पहले मैं इसके लिए एलजी साहब का और हमारे सीसी साहब और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे पोहेन वालों को, तो फ़ख्र तो ऑलरेडी है ही है, और डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए फ़ख्र है और लद्दाख के लिए फ़ख्र है। तो मैं सीसी साहब, डीसी साहब और एलजी साहब को बहुत मशहूर मानूँ कि इनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ट्वीट करके, और आने वाले वक्त में वो लोग इन लोगों के लिए, ऐसे फेडरेशन के लिए फंड्स हो या जो भी इनको चाहे वो इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट ही है हमारे गाँव के लिए। आपने खुद देखा कि इनका रिसेप्शन इतना अच्छा हुआ और बहुत सही हुआ। तो मैं सीसी साहब, डीसी साहब और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले इस फेडरेशन के एमएमए के लिए, और सबसे पहले इसमें एक बात मैं भूल गया, हमारे कोच नासरी साहब जो कि एमएमए का प्रेसिडेंट भी है, मुर्तजा अली खुद्दाम साहब जिसने आज गोल्ड मेडल मुंबई में जीत के आया है, और उसके साथ अकबर और हमारे हसनैन शरा का भी उन्होंने बहुत वो किया, मैं उनका बहुत मशहूर ममनून हूँ। और हमारे पोहेन के पूरा इलाके का मैं की तरफ से तमाम जहाँ रिसेप्शन जिन्होंने हमें रिसेप्ट किया, इन बच्चों का हौसला अफजाई के बहुत मशहूर ममनून सबका।